हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मैपिंग का क्लास, एंड टुडे विल बी डूइंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना। व्हाई? बिकॉज वी लिव ऑन देम एंड रेस्ट एवरीथिंग इन द ज्योग्राफी डिपेंड्स ऑन कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द सेवरल लार्ज लैंड मासेस। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट लार्ज लैंड मासेस टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये सारे को हम एक साथ कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। अब आते हैं, पहले समझते हैं कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स इन आर वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उस पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। सो वी हैव अ सेवन कॉन्टिनेंट मॉडल। ठीक है, सेवन कॉन्टिनेंट मॉडल कौन कौन से हैं? द फर्स्ट कॉन्टिनेंट वी हैव इज एशिया। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट जो है ये हमारा एशिया है। ठीक है, सो इट गोज लाइक दिस, दीज ऑल रीजन्स दैट फॉल अंडर एशिया। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। द सेकेंड कॉन्टिनेंट वी हैव इज अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो हमारा मैप है इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा है यूरोप। दिस इज यूरोप, इसमें आइसलैंड भी इंक्लूड होता है। देन दिस इज नॉर्थ अमेरिका, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर ये हमारा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया। और यहाँ एक समर्ज्ड कॉन्टिनेंट है, दैट इज कॉल्ड जीलैंडिया, दैट वी डोंट स्टडी अबाउट। तो वी हैव ओनली सेवन कॉन्टिनेंट मॉडल। और ये जो सबसे नीचे वाला है दैट इज दी एनआर्टिका। ठीक है, सो एनआर्टिका इज दी फोर सेवेंथ कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारे जानना है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट कैसे हुआ। तो पहले जो अर्थ थी, ठीक है, ऑन दी अर्थ देर वॉज अ सिंगल लैंड मास। ठीक है, ये सिंगल लैंड मास को हम पैंजिया कहते थे। इट वॉज कॉल्ड पैंजिया। लेटर ऑन दिस पैंजिया स्प्लिट इन टू टू एंड इट फॉर्म लॉरेशिया। ठीक है, और दूसरा ये बना गोडवाना। ठीक है, जो लॉरेशिया था दैट वॉज इन द नदर्न हेमिस्फेयर, और जो गोडवाना था दैट वॉज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो वर्ल्ड में फिर दो कॉन्टिनेंट्स बन गए। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक कॉन्टिनेंट था और सदर्न हेमिस्फेयर में दूसरा कॉन्टिनेंट था। इसे हम बोलते थे गोडवाना और इसे हम बोलते थे लॉरेशिया। ठीक है, तो दिस वाज कॉल्ड लॉरेशिया एंड द डाउन वन वाज कॉल्ड गोडवाना। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, ये भी सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में स्प्लिट कर गए एंड देन फाइनली वी हैड द कॉन्टिनेंट्स दैट वी सी इन द प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज किया हुआ है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, देन कम्स अफ्रीका, देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर एनआर्टिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा है एशिया, देन कम्स इज अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एनआर्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंड द अदर वन इज जीलैंडिया, जो कि एक समर्ज्ड कॉन्टिनेंट है, दैट इज बिलीव्ड टू बी द एथ कॉन्टिनेंट, बट उसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर, क्लियर है? अब समझते हैं इंडिविजुअली। सो दिस इज द फर्स्ट, इसके थोड़ी एरिया के बारे में जान लें। सो द एरिया ऑफ एशिया इज लार्जेस्ट, ये फिगर्स एग्जैक्ट नहीं है बट एक आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, तो फिगर्स तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एशिया नियरली 30% ऑफ द लैंड मास है। ठीक है, 30% ऑफ द लैंड मास इज एशिया। फिर आता है अफ्रीका विच इज 20% ऑफ द लैंड मास, नॉर्थ अमेरिका 16% है, साउथ अमेरिका 12% है, एनआर्टिका 9.2% है, यूरोप 6.8% एंड ऑस्ट्रेलिया इज 5.9%। तो ये थोड़ा परसेंटेज में डिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो दैट 30% ऑफ अर्थ इज एशिया, नियरली 20% इज अफ्रीका, 16-17% इज नॉर्थ अमेरिका, 12% इज साउथ अमेरिका, 9% इज एनआर्टिका, यूरोप इज 6% एंड ऑस्ट्रेलिया इज नियरली 6%। ठीक है, तो ये पूरा इनका डिवीजन है। अब आते हैं एशिया पे। सो दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया की एक्सट्रीमीज को समझना, एक्सट्रीमिटीज को समझना जरूरी है। सो दिस अदर एंड ऑफ द एशिया इज जापान। ठीक है, जापान इसके एंड पे है। तो अगर हम डायरेक्शंस को मार्क करें तो दिस विल बी ईस्ट, दिस विल बी वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस करना। सो द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ एशिया आप जापान बोल सकते हो। जापान का दूसरा नाम होता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन एशिया इंक्लूड जापान, इंडिया, ठीक है, चाइना, रशिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द अरेबियन पेनिनसुला। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला। ये थोड़ा पेन फास्ट जा रहा है, ठीक है, तो स्पेलिंग्स में उस हिसाब से लिख रहा हूँ, डोंट थिंक दैट आई डोंट नो द स्पेलिंग। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द एनाटोलिया पेनिनसुला।
एनाटोलिया पेनिनसुला, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं, दिस इज द कंट्री ऑफ टर्की। तो अगर हम मैप बनाते हैं तो हेयर वी हैव द उरल माउंटेन्स, यहाँ पे उरल माउंटेन्स है, ये सब मैं बहुत डेप्थ पे डिस्कस करूंगा, अभी आपको मैं एक एक्सट्रीमिटी की आइडिया दे रहा हूँ। देन वी हैव द कैस्पियन सी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सी है, देन वी हैव टर्की, तो इस तरह से वी हैव हेयर द सिनाई पेनिनसुला, अरेबियन है, ठीक है, यमन, ओमान ऐसे जाते हुए, फिर हेयर वी हैव मालदीव्स, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंड दिस इज दी कंट्री ऑफ इंडोनेशिया टिल वेस्ट पापुआ यहाँ पे, ठीक है, दिस इज जापान और ऐसे रशिया, सो दिस होल क्लोजर रिप्रेजेंट्स आर एशिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज आर एशिया, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, क्लियर है। अब एशिया को और डेप्थ में स्टडी करेंगे, आज हमारा बस इंट्रोडक्शन टू कॉन्टिनेंट्स है। द अनदर कॉन्टिनेंट दैट इज इंपॉर्टेंट इज यूरोप, यूरोप आप देख सकते हो काफ़ी वाइड एरिया में स्प्रेडेड है, ठीक है, बट इट इज़ अ स्मॉल कॉन्टिनेंट, इसमें एक कंट्री जो है रशिया, दैट इज शेयर्ड इन बोथ रशिया एंड यूरोप, ठीक है, और यूरोप में जितने सारे कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर उनका क्लाइमेट मेडिटेरेनियन टू टुंड्रा टाइप रहता है, ठीक है, तो यूरोप में आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक डेजर्ट नहीं मिलेगा, वार्म डेजर्ट, और वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा, वार्म टेम्परेट से आप बोल सकते हो टुंड्रा टाइप का रहता है, ठीक है, दिस इज द कंट्री ऑफ यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, दिस इज आइसलैंड, तो आप बोल सकते हो कि यूरोप का जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम है दैट इज आइसलैंड, वेयर एज ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम इज रशिया, ठीक है, सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम इज द आइलैंड ऑफ सिसिली, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीस है, दिस इज ग्रीस, एंड द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम इज दिस आइलैंड बिलोंग्स टू नॉर्वे, ठीक है, तो ये हमारा पूरा यूरोप का मैप है, दिस इज यूरोप फॉर अस। द नेक्स्ट वन वी हैव इज अफ्रीका, ये अफ्रीका है, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये पूरा रीजन अफ्रीका है, एंड इट हैज़ टोटल 54 कंट्रीज इन अफ्रीका, अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, ठीक है, अफ्रीका की जो वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, आप ऐसे बोल सकते हो, तो दिस इज सेनेगल, सेनेगल इज द वेस्टर्न मोस्ट कंट्री, सदर्न मोस्ट कंट्री वी हैव इज साउथ अफ्रीका, वेर एज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, देखो यहाँ पे सोमालिया है और दिस इज इजिप्ट, ठीक है, तो ये जो पूरा रीजन है हमारा, ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका में आता है, दिस रीजन इज द ईस्ट अफ्रीका, ये रीजन है हमारा साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज द वेस्टर्न अफ्रीका, और ये बीच में जो कंट्री आप देख रहे हो, दिस इज द सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, दिस इज मेडागास्कर, एक मूवी भी आई हुई है ऑन मेडागास्कर, सो दिस इज मेडागास्कर। अच्छा, अफ्रीका में कुछ और कंट्रीज आते हैं, यहाँ पे कॉमरोस है, दीज आर सर्टेन आइलैंड्स, यहाँ पे आपका सिशेल, यहाँ पे रियूनियन आइलैंड है, एंड हेयर वी हैव मॉरिशियस, और यहाँ पे हमारा सिशेल्स लोकेटेड है, सो दीज आर सर्टेन मोर कंट्रीज दैट कम अंडर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, इधर वी हैव द अटलांटिक ओशन, अभी मैं ओशंस पे नहीं डिस्कस कर रहा, सो दिस इज द अटलांटिक ओशन एंड दिस इज द इंडियन ओशन, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज है नहीं, द मेजर वंस आर कैनेडा, यूएसए, मेक्सिको, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे कंट्री हैं, दिस इज बेलिजी, हॉन्ड्रूस, निकरागुआ, ठीक है, देन वी हैव पनामा है, एंड देन वी हैव द कंट्री, यहाँ पे कोलंबिया है, ठीक है, सो दिस इज कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका में आता है, दिस इज द आइलैंड ऑफ क्यूबा, और ये पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज फॉर्म करता है, ठीक है, यहाँ पे हॉन्ड्रूस है, सो दीज आर द कंट्रीज, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज आर्टिक ओशन, ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का पार्ट है, बट इट फॉल्स अंडर द कॉन्टिनेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, एंड हेयर वी हैव द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका इज क्लोजेस्ट टू एनार्टिका, ये भी बात याद रखना, ठीक है, और इस एरिया को हम पैटेगोनिया कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड पैटेगोनिया, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ठीक है, दिस इज बोलीविया, और ये बहुत सारे कंट्रीज हैं, जब हम इसको करेंगे तो एक एक कंट्री को इंडिविजुअली समझेंगे। अमेजोन रिवर फ्लोज थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका किस प्लेट का पार्ट है, अमेरिकन प्लेट का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं, सो हेयर वी हैव द एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका इज अनदर कॉन्टिनेंट। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, सो दिस इज द ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड, दिस इज तस्मानिया, और ये है हमारा द आइलैंड ऑफ पापुआ, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्ट पापुआ और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, सो दिस इज पापुआ न्यू गिनी एंड दिस इज वेस्ट पापुआ, दिस इज न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड जीलैंडिया का पार्ट है, तो वी डोंट स्टडी इट एज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगला आते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका क्या है, किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, इट इज अ सेपरेट, ओनली यूज फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस, ठीक है, सो दिस इज द सेवेंथ कॉन्टिनेंट। अच्छा, अगर एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट है जानना, जो ओलंपिक फ्लैग है उसमें पांच रिंग होते हैं, तो पांच रिंग्स इंक्लूड, मतलब पांचों कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अंटार्कटिका नहीं इंक्लूडेड है, एंड अमेरिका इज कम्बाइंड, मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका सेपरेट नहीं है, वी हैव अ कम्बाइंड अमेरिका, ठीक है। जीलैंडिया जो है, इट इज अ समर्ज्ड कॉन्टिनेंट, सो देयरफॉर वी डो नॉट स्टडी मच अबाउट इट, न्यूजीलैंड उसका पार्ट है, तो
आई थिंक अबाउट ऑल द कॉन्टिनेंट इज क्लियर कि हमारे यहाँ टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, दैट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एनार्टिका। अगर मैप में अब आपको दिया जाएगा तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसके लिमिट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड यू कैन ईजिली मार्क देम ऑन मैप। सो आई थिंक दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। अगले दिन हम और मैप्स के साथ आएंगे और डिटेल्ड मैप के साथ आएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।